देश भर में बढ़ती ठंड के बाद मौसम का मिजाज बदलने लगा है। कई राज्यों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है तो वहीं दक्षिण में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप कर्नाटक में बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में आने वाले दिनों में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में बारिश के बाद तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। 11 दिसंबर से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है, जिसके बाद राजधानी में ठंडी हवाएं चलने का अनुमान जताया गया। दिल्ली की वायु गुणवत्ता की बात की जाए तो यहां अभी भी एक UI खराब श्रेणी में ही बना हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि 0 से 50 के बीच एक UI को अच्छा, 51 से 100 के बीच एक UI को संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब और 301 और 400 के बीच बेहद खराब, तो वहीं 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट बर्फबारी और बारिश की संभावना है, जिसके बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने के पूरे आसार हैं। तो वहीं ये भी बताया जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में भी ठंड बढ़ सकती है, जिसके बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और अब ठंडी हवाओं की वजह से लोगों को कपकपी का भी सामना करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटों में असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो वहीं त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल, झारखंड और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। केरल और अंडमान के बाद निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी जारी है, जिसके चलते लोगों को परेशानियां हो रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में कहां कहां पर बारिश होगी। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, UP में शनिवार को घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मौसम विभाग ने दक्षिण भारत में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई। बिहार में 10 दिसंबर तक, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में 9 से 11 दिसंबर तक घना कोहरा छाया रह सकता है, ये कहा जा रहा है। फिलहाल राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में अब तापमान में गिरावट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कई राज्यों में सुबह से ही घना कोहरा भी छाने लगा है और यही हालत राजधानी दिल्ली की रही कि सुबह से ही लोगों को घना कोहरा और तेज ठंडी हवाएं महसूस हुई।